डिस्कस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज पावर शो है लाहौर में, पहला पिशावर, दूसरा कराची। आज बारी है लाहौर की, जिंदा दिलाने लाहौर को किस तरह वो राजी करेंगे, जीतेंगे। कल होने वाला है ये लाहौर में जलसा। जाबिर वकास हमारे नुमाइंदे, उनकी तैयारियों के बारे में अपडेट करेंगे। जाबिर बताइए, क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में जो जलसा 21 अप्रैल जुमेरात को शेड्यूल है, उसकी तैयारियां इस वक्त जारी हैं। तलहा, अगर मेरे पीछे मेरे कैमरामैन आपको नवीद दिखाएं, तो इस वक्त जो बोर्ड नज़र आ रहा है, जो मरकज़ी स्टेज तैयार किया जा रहा है और उसके साथ एक छोटा नीचे स्टेज तैयार किया जा रहा है, उसके ऊपर लिखा नज़र आता है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये वो हैशटैग है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर भी, और इसी को जो है वो इस वक्त बेंचमार्क बनाकर इस जलसे की तैयारियाँ की जा रही हैं। यकीनन ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर उसी दिन से आवाज़ लग रही है जब जो है वो इत्तेहाद शुरू हुआ था खान साहब की हुकूमत जाने के बाद, और इस वक्त भी जो तैयारियां तो चल रही हैं यहाँ पे। इस वक्त खासतौर पर सिर्फ मजदूर ही नज़र आते हैं जो कि स्टेज बना रहे हैं, यहाँ पे खारजर तार लगा रहे हैं, और जो हतमी शक्ल दी जानी है, और इसके अलावा जो लाइटिंग है उसके लिए जो बोर्ड लगाए जाते हैं, लाइटिंग के बोर्ड, वो लग चुके हैं। जाबिर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, जाबिर चीज़ों पर भी काम हो रहा है। लेकिन जाबिर ये पूछना चाहूँगा, नॉर्मली जब जलसे होते हैं ना तो एक दिन पहले तैयारी शुरू होती है, इस दफ़ा दो दिन पहले से तैयारियाँ हो रही हैं और मैं देख रहा हूँ ठीक ठाक तैयारियाँ हो रही हैं। कुछ स्पेशल प्लान लग रहा है मुझे लाहौर वालों के लिए? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। उसकी वजह यह है कि लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द के जितने शहर हैं, खासतौर पर बड़े फैसलाबाद, गुजरांवाला और इसके अलावा साहिवाल वगैरह से, यहाँ से भी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है जो है वो तहरीके इंसाफ के, वहाँ से भी काफ़िले आएंगे और जो क्राउड है वो फुल फ्लेज होगा यहाँ पर। यकीनन जो एक मखसूस यहाँ पे जो जगह है मीनार पाकिस्तान की, जो हमेशा सियासी पार्टियाँ इस्तेमाल करती हैं, जब से ये नया एक रेनोवेशन हुई और नया तरीके से ये बना मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड, तो एक मखसूस जो एरिया एलोकेट किया जाता है उस जगह पर जो है वो उसको बढ़ाया जाएगा मेरे ख्याल में, और अगर तादाद ज्यादा रहती है तो लोग सड़कों पर भी मौजूद होंगे, जिस तरह हमने देखा कि इस्लामाबाद में भी और फिर उसके बाद कराची में भी इस तरह का रश देखने में आया, और इसी तरह यहाँ पर भी अगर फुल फ्लज लाहौर में भी लोग बाहर आते हैं और लाहौर के बाहर से भी काफी आते हैं। तो शुक्रिया, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।